ही ठइयाँ झुलने हैरानी हो रामा। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने गाने बजाने वाले समाज के आध्यात्मिक प्रेम, देश के प्रति प्रेम और विदेशी शासन के प्रति गुस्से को बताया है। इसके लेखक शिव प्रसाद मिश्र हैं, जिन्हें रुद्र भी कहा जाता है। इस कहानी में दुलारी पात्र जो है, उसका शरीर पहलवानों की तरह कसरती था। वह मराठी महिलाओं की तरह धोती लपेटकर कसरत करने के बाद प्याज और हरी मिर्च के साथ चने खाती थी। वह अपने रोजाना के कार्य से खाली ही नहीं हुई थी कि उसके घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाज़ा खोलने पर उसने देखा कि टुन्नू बगल में कोई बंडल दबाए खड़ा था। दुलारी ने टुन्नू को डांटते हुए कहा था कि उसने उसे यहाँ आने के लिए मना कर रखा था। टुन्नू उसकी डांट सुनकर सहम गया। वह उसके लिए गांधी आश्रम की खादी से बनी साड़ी लेकर के आया था। वह उसे होली के त्यौहार पर नई साड़ी देना चाहता था, लेकिन दुलारी उसे बुरी तरह से डांट देती है कि अभी उसकी उम्र नहीं है ऐसे काम करने की। दुलारी टुन्नू की दी हुई धोती को उपेक्षापूर्वक उसके पैरों के पास फेंक देती है। टुन्नू की आँखों से आंसुओं की बूंदें साड़ी पर गिरती हैं और वह अपमानित सा फील करता हुआ वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जाने के बाद दुलारी धोती उठाकर सीने से लगा देती है और आंसुओं के थप्पड़ों को चूमने लगती है। दुलारी 6 महीने पहले टुन्नू से मिली थी। भादों की तीज पर खोजवा बाजार में गाने का कार्यक्रम था। दुलारी गाने में निपुण थी। उसे पद्य में सवाल जवाब करने की अद्भुत क्षमता थी। बड़े बड़े शायर भी उसके सामने गाते हुए घबराते थे। खोजवा बाजार वाले उसे अपनी तरफ से खड़ा करके अपनी जीत सुनिश्चित करवा चुके थे। उसके विपक्ष में उसके सामने 16-17 साल का टुन्नू था। टुन्नू के पिता यजमानी करके अपने घर का गुजारा करते थे। टुन्नू को आवारों की संगति में शायरी का चस्का लग गया था। उसने भैरव हेला को उस्ताद बनाकर कजली की सुंदर रचना करना सीख लिया था। टुन्नू ने उस दिन दुलारी से संगीत में मुकाबला किया। दुलारी को भी अपने बहुत छोटे लड़के से मुकाबला करना अच्छा लग रहा था। मुकाबले में टुन्नू के मुंह से प्रशंसा सुनकर सरदार ने टुन्नू पर लाठी से वार किया। दुलारी ने टुन्नू को उस मार से बचाया था। दुलारी टुन्नू के जाने के बाद उसी के बारे में सोच रही थी। टुन्नू उसे आज अधिक सभ्य लगा था। टुन्नू ने कपड़े भी सलीके से पहन रखे थे। दुलारी ने टुन्नू की दी हुई साड़ी अपने संदूक में उठाकर रख दी। उसके मन में टुन्नू के लिए कोमल भाव उठ रहे थे। टुन्नू उसके पास कई दिन से आ रहा था। वह उसे देखता रहता था और उसकी बातें बड़े ध्यान से सुनता था। दुलारी का यौवन ढल रहा था। टुन्नू 15-16 साल का लड़का था। दुलारी ने दुनिया देख रखी थी। वह समझ गई कि टुन्नू और उसका संबंध शरीर से ना होकर आत्मा का है। वह यह बात टुन्नू के सामने स्वीकार करने से डर रही थी। उसी समय फेंकू सरदार धोतियों का बंडल लेकर दुलारी की कोठरी में आता है। फेंकू सरकार उसे तीज पर बनारसी साड़ी दिलवाने का वायदा करता है। जब दुलारी और फेंकू सरदार बातचीत कर रहे थे, उसी समय उसकी गली में से विदेशी वस्त्रों की होली जलाने वाली टोली निकली। 4 लोगों ने एक चादर पकड़ रखी थी, जिसमें लोग धोती कमीज कुर्ता टोपी आदि डाल रहे थे। दुलारी ने भी फेंकू सरदार का दिया हुआ मैनचेस्टर तथा लंका शायर की मिलों में बनी बारीक सूत की
मखमली किनारे वाली धोतियों का बंडल फैली चादर में डाल दिया। अधिकतर लोग जलाने के लिए पुराने कपड़े फेंक रहे थे। दुलारी की खिड़की से नया बंडल फेंकने पर सबकी नज़र उस तरफ उठ गई। जुलूस के पीछे चल रही खुफिया पुलिस के रिपोर्टर अली सगीर ने भी दुलारी को देख लिया था। दुलारी ने फेंकू सरदार को उसकी किसी बात पर झाड़ू से पीट पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। जैसे ही फेंकू सरदार दुलारी के घर से निकला, उसे पुलिस रिपोर्टर मिल जाता है, जिसे देखकर वह झेंप जाता है। दुलारी के आंगन में रहने वाली सभी स्त्रियां इकट्ठी हो जाती हैं और सब मिलकर के दुलारी को शांत करती हैं। सब इस बात से हैरान थे कि फेंकू सरदार ने दुलारी पर अपना सब कुछ न्योछावर कर रखा था, फिर आज उसने उसे क्यों मारा। दुलारी ने कहा कि यदि फेंकू ने उसे रानी बनाकर रखा था तो उसने भी अपनी इज्जत, अपना मान, सभी कुछ उसके नाम कर दिया था। एक नारी के सामान की कीमत कुछ भी नहीं है, पैसों से तन नहीं खरीदा जा सकता है, पर एक औरत का मन नहीं खरीदा जा सकता। उन दोनों के बीच झगड़ा टुन्नू को लेकर हुआ था। सभी स्त्रियां बैठी बात कर रही थी कि झिंगुर ने आकर बताया कि टुन्नू महाराज को गोरे सिपाहियों ने मार दिया और लाश भी वे उठाकर ले गए। टुन्नू के मारे जाने का समाचार सुनकर दुलारी की आंखों से अविरल आंसुओं की धारा बह निकली। उसकी पड़ोसिनों भी दुलारी का दिल का हाल जानने गई थी। सभी ने उसके रोने को नाटक समझा, लेकिन दुलारी अपने मन की सच्चाई जानती थी। उसने टुन्नू की दी साधारण खद्दर की धोती पहन ली। वह झिंगुर से टुन्नू के शहीदी स्थल का पता लगाकर वहाँ जाने के लिए घर से बाहर निकली। घर से बाहर निकलते ही थाने के मुंशी और फेंकू सरदार ने उसे थाने चलकर अमन सभा के समारोह में गाने के लिए कहा। प्रधान संवाददाता ने शर्मा जी की लाई हुई रिपोर्ट को मेज पर पटकते हुए डांटा और अखबार की रिपोर्टरी छोड़कर चाय की दुकान खोलने के लिए कह दिया। उनके द्वारा लाई गई रिपोर्ट को उसने अलिफ लैला की कहानी कहा, जिसे प्रकाशित करना वह उचित नहीं समझता था। उनकी रिपोर्ट को छापने से उन्हें अपना अखबार बंद हो जाने का भय है। शर्मा जी ने अपनी रिपोर्ट का शीर्षक एही ठैया झुलने हैरानी हो रामा रखा था। उनकी रिपोर्ट के अनुसार कल 6 अप्रैल को नेताओं की अपील पर नगर में पूर्ण हड़ताल रही। खोमचे वाले भी हड़ताल पर थे। सुबह से ही विदेशी वस्त्रों का संग्रह करके उनकी होली जलाने वालों के जुलूस निकलते रहे। उनके साथ प्रसिद्ध कजली गायक टुन्नू भी था। जुलूस टाउन हॉल पहुंचकर समाप्त हो गया। सब जाने लगे तो पुलिस के जमादार अली सगीर ने टुल्लू को गालियाँ दी। टुन्नू के प्रतिवाद करने पर उसे जमादार ने बूट से ठोकर मारी। इससे उसकी पसली में चोट लगी, वह गिर पड़ा और उसके मुंह से खून निकल पड़ा। गोरे सैनिकों ने उसे उठाकर गाड़ी में डालकर अस्पताल ले जाने के स्थान पर वरुणा में प्रवाहित कर दिया, जिसे संवाददाता ने भी देखा था। इस टुन्नू का दुलारी नाम की गोनहारिन से संबंध था। कल शाम अमन सभा टाउन हॉल में आयोजित समारोह में, जहां जनता का एक भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था, दुलारी को नचाया गवाया गया था। टुन्नू की मृत्यु से दुलारी बहुत उदास थी। उसने खद्दर की साधारण धोती पहन रखी थी। वह स्थान पर गाना नहीं चाहती थी जहां 8 घंटे पहले उसकी प्रेमी की हत्या कर दी गई थी। फिर भी कुख्यात जमादार अली सगीर के कहने पर उसने दर्द भरे स्वर में एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा कासो मैं पूछू गया, और जिस स्थान पर टुन्नू गिरा था उधर ही नज़र जमाए हुए गाती रही। गाते गाते उसकी आंखों से आंसू बह निकले, मानो टुन्नू की लाश को वरुणा में फेंकने से पानी की जो बूंदें छिटकी थी वे अब दुलारी की आंखों से बह निकली हैं। संपादक महोदय की रिपोर्ट तो सत्य लगी, परंतु वे इसे छाप नहीं सकते।